और लाइट दोस्तों, तो आज हम यहाँ पर बात करेंगे वीवो के T1X में आए हुए एक न्यू अपडेट के बारे में। इसका साइज हमें यहाँ पर 3GB के आसपास देखने को मिल जाता है और ये वाला जो आप स्क्रीनशॉट देख रहे हो जो एक तरीके से डमी स्क्रीनशॉट है, मैं इसे डमी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो अपडेट का यहाँ पर जो स्क्रीनशॉट आया हुआ है वो किसी दूसरे डिवाइस का है, बट जो फीचर मैं बताने वाला हूँ वो सेम रहने वाले हैं वीवो के T1X में। तो फटाफट से यहाँ पर नया डाल लेते हैं इसके यहाँ पर होम स्क्रीन को लेकर। बट उससे पहले मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ कि मैं इसके अंदर इसके कुछ हिडन फीचर्स के ऊपर मैं बात करने वाला हूं, आपको ये वाला पार्ट जरूर से देखना चाहिए। तो पहले यहां पर इसकी यूआई के ऊपर बात कर लेते हैं। तो इसकी जो यूआई वगैरह है इसको यहां पर स्टॉक एंड्रॉइड से हमें काफी यहां पर मिलता जुलता हमें देखने को मिल जाएगा। पहले क्या होता था कि यहां पर फंटा सोसी कॉपी रहती थी, बट यहां पर स्टॉक एंड्रॉइड जैसा हमें देखने को मिल जाता है। इस वजह से यहां पर अच्छी बात यह है कि यहां पर जो फ्यूचर में जो अपडेट आएंगे वो हमें काफी जल्दी जल्दी देखने को मिलेंगे क्योंकि अपनी जो यूआई में ज्यादा यहां पर कस्टमाइजेशन नहीं करने पड़ेंगे, जिस वजह से यहां पर अपडेट जल्दी आ जाएंगे काफी। तो फटाफट से यहां पर देख लेते हैं इसके यहां पर गूगल के आइकन्स के ऊपर, जिसके यहाँ पर जो आइकन्स है उसको यहाँ पर ऑल राउंडेड में कर दिया गया है। अगर आप चाहते हैं कि इसको यहाँ पर स्क्वायर शेप में रखें तो आप उसको भी यहाँ पर सेटिंग से यहाँ पर कस्टमाइज कर पाओगे। और साथ ही साथ यहाँ पर जो एंड्रॉइड 13 का यहाँ पर जो लुक वगैरह है कुछ इस तरीके का हमें देखने को मिल जाएगा, जो फंटा सोच 12 का था वैसा ही हमें देखने को मिलेगा, बट इसमें यहाँ पर कुछ ज़्यादा तो चेंजेस नहीं किए गए हैं। और इसके यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इसके जो सेटिंग वाले ऑप्शन है उसमें यहाँ पर जो कैटेगरी होती है उसको यहाँ पर और अच्छे तरीके से एनहेंस कर दिया गया है। ऐसे यहाँ पर काफ़ी ऑप्शन हुआ करते थे जो कि यहाँ पर किसी और दूसरी कैटेगरी में मिल जाते थे, अब उसको यहाँ पर और अच्छे तरीके से इंप्रूव किया गया। और इसके अंदर यहाँ पर एक सजेशन का भी यहाँ पर फीचर है कि अगर आप यहाँ पर कोई सेटिंग ढूंढ रहे हो और आप यहाँ पर उसको आपको नहीं मिली है तो आप यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर रीडायरेक्ट कर पाओगे, या मैं कहूँ तो यहाँ पर जंप करवाओगे थ्रू द सजेशन की हेल्प से। तो ये भी हमें काफ़ी अच्छा फीचर हमें देखने को मिल जाता है सेटिंग वाले ऑप्शन में। और इसके यहाँ पर कुछ और भी यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं आप सिंपली तरीके से उसको भी देख सकते हो। और इसके यहाँ पर इसके जो होम स्क्रीन का यहाँ पर जो लेआउट रहता है उसको भी आप यहाँ पर सिंपली तरीके से यहाँ पर देख सकते हो। और इस बार यहाँ पर वीवो ने क्या किया है, यहाँ पर ज़्यादा तो फीचर्स को यहाँ पर इंक्लूड यहाँ पर नहीं किया हुआ है, तो बस यहाँ पर सबसे ज़्यादा फोकस किया गया वो रहता है यहाँ पर इसकी यूजर एक्सपीरियंस को लेकर, क्योंकि वीवो चाहती है कि यहाँ पर जो यूजर का जो एक्सपीरियंस है वो हमें ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा, जिस वजह से यहाँ पर जो फ्यूचर के जो कस्टमर्स हैं वो वीवो कंपनी के स्मार्टफोन यहाँ पर लेना पसंद करें। तो जिस वजह से यहाँ पर आप सिंपली तरीके से इसके यूजर एक्सपीरियंस को भी यहाँ पर आप देख सकते हो। और उसकी जो होम स्क्रीन है जो कि हमें काफ़ी हद तक हमें स्टॉक एंड्रॉइड जैसी देखने को मिल जाती है, और इसके यहाँ पर जो नोटिफिकेशन वार की बात करें तो वो भी हमें कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाता है। बट इसके अंदर मैं हिडन फीचर से एक और इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। इसमें यहाँ पर रहता है यहाँ पर बैकग्राउंड एप्लीकेशन, सिंपली तरीके से आपके में यहाँ पर जो डेटा वगैरह यहाँ पर शो हो रहा है इसी तरीके से यहाँ पर एक और ऑप्शन रहेगा जो कि आपको इनेबल्ड यहाँ पर करना होगा सेटिंग से, जिसमें आप जो बैकग्राउंड में कितनी प्रोसेस यहाँ पर रन हो रही हैं सिंपली तरीके से आप उनको यहाँ पर देख सकते हो। और ज़्यादा प्रोसेस यहाँ पर हो रही है तो आप सिंपली तरीके से उनको यहाँ पर क्लियर वगैरह कर सकते हो, जो कि हेल्प करेगा आपकी यहाँ पर बैटरी यहाँ पर ड्रेनिंग इशू को लेकर। तब सिंपली तरीके से ये भी हमें काफ़ी अच्छा यहाँ पर फीचर देखने को मिल जाता है। और साथ ही साथ मैं आप इसके अंदर कुछ हिडन फीचर्स और भी बताऊँ तो वो रहता है यहाँ पर वेब कैम को रिलेटेड। अगर आपके लैपटॉप में जो वेब कैम है वो इतना अच्छा नहीं है तो आप अपने डिवाइस को एज ए यहाँ पर वेब कैम यहाँ पर यूज कर पाओगे। ये पहले हो जाया करता था यहाँ पर कुछ एप्लीकेशन की हेल्प से, बट यहाँ पर वीवो वालों ने यहाँ पर जो सेटिंग के अंदर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, ये भी काफ़ी अच्छी बात है। और मैं यहाँ पर फंटासोस वालों की नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो हर एक एंड्रॉइड 13 की डिवाइस है वो उसमें हमें यहाँ पर ये वाला फीचर देखने को मिल जाता है। वीवो वालों ने नहीं दिया है, एंड्रॉइड 13 वालों ने दिया हुआ है। तो बेसिकली हो जो कुछ, और इसके यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इसके यहाँ पर जो एंड्रॉइड 13 के यहाँ पर लुक वगैरह कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाता है। और इसके यहाँ पर जो न्यूज़ वाले ऑप्शन, जो मैं ऑप्शन पर जाऊँ तो वहाँ पर एक तरीके से क्या होता था कि यहाँ पर जो न्यूज़ का और स्कोर का यहाँ पर जो काफ़ी हद तक यहाँ पर कोलैब रहती थी, जिस वजह से यहाँ पर लोग नहीं समझ पाते थे कि यहाँ पर न्यूज़ का यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है और यहाँ पर स्कोर वाला कौन सा है, बट उसको यहाँ पर और अच्छे तरीके से सेपरेट कर दिया गया है। मैं कहूँ यहाँ पर सिंपली तरीके से तो उसमें यहाँ पर थोड़ा सा गैप रखा गया है जिस वजह से यहाँ पर लोग समझ सकें। और बेसिकली उन लोगों के लिए तो यहाँ पर काफ़ी आसान पहले भी था जो लोग यहाँ पर काफ़ी प्रो हैं और जो लोग वीडियोज़ मेरी देखते रहते हैं रेगुलर बेसिस पे। तो और साथ ही साथ मैं यहाँ पर इसके रिसेंट बार की मैं बात करूँ जो कि हमें कुछ इस तरीके यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो बस यही था आज के इस अपडेट में, आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आया तो वीडियो को फटाफट से लाइक। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।